नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं राष्ट्रपति के बारे में कि भारत का राष्ट्रपति क्या होता है और उनका चुनाव कैसे होता है। महाराष्ट्र का राष्ट्रपति बनने के लिए उम्मीदवार में कौन कौन सी योग्यताएं होनी चाहिए, एकल संक्रमणीय पद्धति क्या होती है, इलेक्टोरल कॉलेज क्या होता है, वोट कौन कौन दे सकता है, हम लोग वोट दे सकते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में या नहीं, तो इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग जो है चर्चा करने वाले हैं। तो ध्यान से देखना, पूरा कॉन्सेंट्रेशन के साथ। तो देखिए, रिपब्लिक मीन्स होता है गणराज्य, ठीक है। रिपब्लिक मीन्स क्या होता है? गणराज्य। अब जहाँ जिस देश में राष्ट्र अध्यक्ष मतलब राष्ट्रपति, जिस देश में राष्ट्रपति का चुनाव होता है उस देश को गणराज्य कहा जाता है। जैसे कि कहाँ होता है? अमेरिका में होता है, ठीक है, अमेरिका में होता है और बहुत सारे जगहों में होता है, बहुत सारे देशों में। अब डेमोक्रेसी मतलब लोकतंत्र होता है, जहाँ पे शासनाध्यक्ष है। शासनाध्यक्ष मतलब प्रधानमंत्री, जो शासन वास्तविक में जो शासन के अध्यक्ष होते हैं। हमारे देश में वास्तविक में शासन के अध्यक्ष कौन है? प्रधानमंत्री, जो कार्य करते हैं। और ऑफिशियली रूप से कौन है? राष्ट्रपति, जिनके पास वास्तविक शक्ति है लेकिन वो प्रयोग नहीं करते, ठीक है। देखिए, तो जिस देश में शासनाध्यक्ष प्रधानमंत्री का चुनाव होता है उस देश को लोकतंत्रात्मक देश कहा जाता है। तो हमारे देश में दोनों ही चीज़ों को ली गई है, ठीक है। हमारे देश में लोकतंत्र को भी लिया गया है और गणराज्य को भी लिया गया है। आपने संविधान के प्रस्तावना में देखा ही होगा, उसमें लिखा है हमारा देश लोकतंत्रात्मक गणराज्य है, ठीक है। हमारा देश लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। इतना हो गया, ठीक है। इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। अगला है कार्यकाल। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष, ठीक है। तो राष्ट्रपति भी संसद के अंग है, ठीक है। संसद के 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, ठीक है। लोकसभा का भी चुनाव होता है, राज्यसभा का भी चुनाव होता है, इसलिए राष्ट्रपति का भी चुनाव होता है, क्योंकि ये तीनों संसद के अंग हैं, ठीक है। तीनों ही संसद के अंग हैं। लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष। राज्यसभा का स्थायी होता है, मैंने पिछले वीडियो में आप सबको बताया था। अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो वो वाला वीडियो एक बार देख लीजिए, इसके बारे में थोड़ा सा और आपको नॉलेज मिल जाएगा, ठीक है। और राष्ट्रपति का भी 5 वर्ष का होता है, अगर ये अपने आपसे इस्तीफा वगैरह नहीं दे तो, ठीक है। अब योग्यता क्या चाहिए देख लीजिए, राष्ट्रपति बनने के लिए योग्यता क्या चाहिए। आपका उम्र, अगर आप कैंडिडेट हैं तो आपका उम्र 35 वर्ष होना ही चाहिए, 35 वर्ष एक्स्ट्रा होना चाहिए। 35 वर्ष से अगर कम है तो आप चुनाव नहीं लड़ सकते, ठीक है। अगला है पागल या दिवालिया नहीं होना चाहिए। दिवालिया किसे कहा जाता है? जो बहुत ज़्यादा मात्रा में कर्जा लिया होता है और उसे चुका नहीं पाते, जैसे कि नीरव मोदी, मेहुल चौकसी, ठीक, विजय माल्या, ये सब दिवालिया है। अगला है कोई लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। लाभ का पद क्या होता है? सरकारी नौकरी। सरकारी नौकरी को लाभ का पद कहा जाता है, कोई भी सरकारी नौकरी हो। आप राज्यपाल को सरकारी नौकरी नहीं कह सकते, मुख्यमंत्री के पद को सरकारी नौकरी नहीं कह सकते, किसी मंत्री या फिर MLA, MP कोई भी हो, ये लाभ का पद नहीं माना जाता संविधान के अनुसार, ठीक है। तो वैसे तो इन लोग दबा के पैसा लेके निकल लेते हैं, लेकिन ये सब लाभ का पद नहीं है, ठीक। और 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक चाहिए। मतलब अगर कोई कैंडिडेट राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना चाहता है तो उसके फेवर में राष्ट्रपति उस चुनाव लड़ने के उस कैंडिडेट के फेवर में कम से कम 50 प्रस्तावक होना चाहिए। 50 प्रस्तावक मतलब 50 MP जो राज्यसभा
लोकसभा या राज्यसभा से हो सकते हैं, ठीक है, दोनों में से किसी भी सदन के हो सकते हैं, इसमें से 20 हो सकते हैं या इसमें से 30 हो सकते हैं या इसमें से 20 हो सकते हैं, इसमें से 30 हो सकते हैं, मतलब संसद के दोनों ही सदन से होने चाहिए। 50 प्रस्तावक, मतलब कोई कैंडिडेट खड़ा हो रहा है तो उसके फेवर में हाँ हम लोग प्रस्ताव रखते हैं कि ये अमुक आदमी, जैसे कि मान लीजिए ए कैंडिडेट है राष्ट्रपति के लिए, ठीक है, तो इसके लिए 50 एमपी, मतलब 50 सांसद सांसद, ठीक है, 50 सांसद लोग इसके प्रस्तावक होने चाहिए, मतलब हम लोग प्रस्ताव रखते हैं कि ये राष्ट्रपति बनने चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद 50 एमपी और अनुमोदक होना चाहिए, इन लोगों ने तो प्रस्ताव रखा कि हाँ हम लोग इनके फेवर में हैं, ये राष्ट्रपति बनना चाहिए, हम लोग इनके फेवर में हैं, तो उसके बाद 50 एमपी और चाहिए अनुमति देने के लिए, हाँ हम लोग भी राजी हैं, ये राष्ट्रपति बनने के लायक है, हम लोग भी राजी हैं, ऐसा करके उनकी अनुमति, ऐसा कह सकते हैं हम लोग, अनुमोदक, ठीक है, अनुमोदक चाहिए 50 एमपी जो राज्यसभा या लोकसभा से हो सकते हैं, ठीक है, दोनों ही संसद से होने चाहिए, 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक, ठीक है। अब इसमें वोट कौन डालेगा, ठीक है, तो देखिए राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है एकल संक्रमणीय पद्धति द्वारा, ठीक है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे अभी। और पांचवा है समानुपातिक पद्धति से वोट डालते हैं, राष्ट्रपति के चुनाव में हम लोग जैसे कि किसी का चुनाव होता है, चार कैंडिडेट खड़े हुए हैं, ठीक है, तो उनमें से हमें एक को ही चुनना पड़ता है, और राष्ट्रपति के चुनाव में ऐसा नहीं होता, अगर चार कैंडिडेट खड़े हुए हैं तो चारों को वोट डालना पड़ता है समानुपातिक पद्धति से, ठीक है। चलिए अब देखते हैं कि राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान कौन देता है, ठीक है, तो देखिए राज्यों में होता है विधानमंडल, ठीक है, राज्यों में क्या होता है विधानमंडल, विधानमंडल के तीन अंग होते हैं, विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल, ठीक है, तो राज्यपाल वोट नहीं डालते, इसको छोड़ दीजिए, और विधान परिषद के विधानसभा के सदस्यों को कहा जाता है MLA विधायक, ठीक है, और विधान परिषद के सदस्यों को कहा जाता है MLC। तो देखिए विधानसभा ओनली 6 राज्यों में है, ठीक है, ओनली 6 राज्यों में जो है विधानसभा है फिलहाल, तो यहाँ के जो MLC होते हैं वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते, ठीक है, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, यूपी, बिहार और आंध्र प्रदेश, इन सब में विधान परिषद है अभी फिलहाल, और बाकी राज्यों में नहीं है, तो जब बाकी राज्यों में भी विधान परिषद हो जाएगा तब इन MLCOं को भी जो राष्ट्रपति के चुनाव में अपना वोट डालने का अधिकार प्राप्त हो जाएगा, अभी नहीं है, ठीक है, तो राष्ट्रपति के चुनाव में MLAs ही अपना वोट डालते हैं, ठीक है, तो देखिए वोट की वैल्यू कैसे निकालते हैं, देखिए किसी राज्य में जैसे कि यूपी हो गया सबसे बड़ा राज्य हमारे देश का जनसंख्या के मामले में, ठीक है, तो जिस राज्य का जनसंख्या ज़्यादा होगा उस राज्य के MLAs की वोट की वैल्यू भी बहुत ज़्यादा होगी, ठीक है, चलिए समझते हैं, देखिए कोई MLA है जैसे कि यूपी के MLA बता रहा हूँ मैं, तो उस राज्य की जनसंख्या, उस राज्य की पूरी जनसंख्या को MLAs की संख्या से, जैसे कि यूपी की MLAs की संख्या है 403, ठीक है, तो 403 को उस राज्य की जनसंख्या से डिवाइड करके 1000 से डिवाइड कर देना पड़ता है, ठीक है, तो फिर उसकी वोट की वैल्यू निकल जाती है, जैसे यूपी में है, यूपी में एक MLA की वोट की वैल्यू होती है 208 इंटू 403, 403 विधायक हैं, अगर 403 पूरे विधायकों ने अगर किसी राष्ट्रपति को चुनाव में अपना वोट दिया तो अकेले यूपी के
विधायकों से उस राष्ट्रपति कैंडिडेट को 81,824 वोट मिल जाएंगे खाली यूपी से, ठीक है, अदर राज्य से और मिल जाएंगे, लेकिन अगर यूपी से ही पूरे विधायकों ने किसी कैंडिडेट को अपना वोट दिया तो 81,824 वोट उनको मिल जाएगा। वही सिक्किम का देखिए, सिक्किम का क्या है, बहुत ही कम होता है वोट की वैल्यू, एक एमएलए की वोट की वैल्यू 7 होती है, ठीक है, कोई एक एमएलए अगर राष्ट्रपति के चुनाव में वोट डालता है तो उसकी वोट की वैल्यू 7 ही होती है, वहाँ पे बस 32 विधायक हैं तो 32×7 अगर आप करेंगे तो 224 होती है। अगर वहाँ के पूरे विधायकों ने एक ही व्यक्ति को वोट दिया तो उनकी वोट की वैल्यू होगी सिर्फ 224। ये जनसंख्या के ऊपर निर्भर करते हैं क्योंकि यूपी की जनसंख्या करीब 22-25 करोड़ है और यहाँ की तो बहुत ही कम है, इसीलिए यहाँ की वोट की वैल्यू भी बहुत ही कम होती है। अब देखिए टोटल एमएलएस की संख्या कितनी है हमारे देश में, सभी राज्यों की जो एमएलएस होती है उनकी संख्या है 4,033, ठीक है। अब 4,033 तो सभी की वोट की वैल्यू होती है 5,43,231 वोट की वैल्यू, ठीक है, पूरे विधायकों की वोट की वैल्यू होती है 5,43,231। अब देखिए संसद को चलाता है, देश में क्या होता है संसद, अब संसद के भी 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा व राष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति का तो चुनाव हो रहा है, ठीक है। तो देखिए संसद में भी जितने भी सदस्य हैं वो अपना मतदान देते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में, लेकिन पूरे के पूरे सांसद लोग अपना वोट नहीं डालते, इनमें से सिर्फ निर्वाचित सदस्य ही अपना वोट डालते हैं, ठीक है, सिर्फ निर्वाचित सदस्य, मतलब निर्वाचित सदस्य होते हैं संसद में 776, तो इतने ही लोग वहाँ पे अपना वोट डालते हैं, ठीक है, निर्वाचित सदस्य, याद रखना आपको निर्वाचित सदस्य। देखिए राष्ट्रपति 2 एंग्लो इंडियन, याद रखना है आपको एंग्लो इंडियन क्या होते हैं, इसके पिछले वाले वीडियो में मैंने बताया था, उस वीडियो को आप लोग देख लीजिएगा, 2 एंग्लो इंडियन लोकसभा से या लोकसभा से और राज्यसभा से 12 सदस्य जिन्हें राष्ट्रपति खुद मनोनीत करते हैं, उन लोग राष्ट्रपति के चुनाव में वोट नहीं डाल सकते, इसलिए नहीं डाल सकते क्योंकि राष्ट्रपति उनका चुनाव करते हैं, मनोनीत करते हैं, तो इन लोग उनके ही फेवर में वोट डालेंगे करके, इसीलिए इनको राष्ट्रपति के चुनाव में वोट डालने का अधिकार नहीं होता, ठीक। अब देखिए एमपी की वोट वैल्यू कैसे निकली जाती है, ठीक है, तो एमपी है, जितने भी एमपीओं की संख्या है जैसे 776, ये 776 हो गया, ठीक है, यहाँ पे अब उसके बाद टोटल एमएलए 4,000 होते हैं, ठीक है, टोटल एमएलए कितने हैं 4,033, तो 4,033 यहाँ रख दीजिए और 776 यहाँ रख दीजिए, ठीक है, उन्हें आप डिवाइड करके 700 से भाग देंगे, इंटू करेंगे, जैसे 700×776, तो इन्हें जब आप इंटू करते हैं, गुना करते हैं, तो इनकी वोट की वैल्यू निकलती है 5,43,200, ठीक है, और यहाँ पे कितना निकला था 5,43,231, तो ऐसे ही ज़्यादा हो गया है, इनकी कोई वो नहीं है, ये तो वोट की वैल्यू ही ज़्यादा हुई है, ठीक है, उतना कुछ फर्क नहीं पड़ता, तो दोनों को मिलाकर होता है आपका 30, टोटल वोट की वैल्यू हो जाती है एमएलएज की और एमपीओ की, टोटल वोट की वैल्यू हो जाती है 10,86,431, ठीक है, अगर किसी राष्ट्रपति को पूरा का पूरा वोट मिलेगा तो उनकी वोट की वैल्यू होगी 10,86,431। हमारे द्वारा चुने गए ही एमएलए और एमपी राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं, ठीक है, इतना समझ गए। तो देखिए वोट कैसे डालते हैं, तो राष्ट्रपति के चुनाव में क्या होता है, हम लोग जब भी वोट डालते हैं तो मान लीजिए 3 कैंडिडेट खड़े हुए हैं चुनाव लड़ने के लिए, तो तीनों में से एक को ही सिलेक्ट करना पड़ता है हमें, लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव में ऐसा नहीं होता, राष्ट्रपति के चुनाव में आपको तीनों को ही वोट डालना पड़ेगा, ठीक है, समानुपातिक पद्धति से तीनों को ही वोट डालना पड़ेगा, तो कोई व्यक्ति आया जो ए को ज़्यादा पसंद करता है तो उसने ए को पहली प्राथमिकता दी कि ये व्यक्ति
राष्ट्रपति बनना चाहिए, बी को पसंद नहीं करता तो वो तीसरे नंबर पे रखा, सी को थोड़ा कम पसंद करता है तो वो दूसरे नंबर पे रखा। अब दूसरा व्यक्ति आया, दूसरा व्यक्ति ए को थोड़ा कम पसंद करता है तो दूसरे नंबर पे रखा, कि ये अगर बी बी को ज़्यादा पसंद करता है दूसरा व्यक्ति, ठीक है, ये पहला व्यक्ति हो गया, ये दूसरा व्यक्ति हो गया, ये तीसरा व्यक्ति, ये चौथा व्यक्ति और ये पाँचवा व्यक्ति, ठीक है। तो दूसरा व्यक्ति बी को पसंद करता है, ये राष्ट्रपति बनना चाहिए करके, अगर ये राष्ट्रपति नहीं बने तो ए बन जाना चाहिए करके इसने जो है अपना वोट डाला है। तो पहली प्राथमिकता किससे दी है, बी ने पहली बी को दिया है, ठीक है, दूसरे व्यक्ति ने बी को पहली प्राथमिकता दिया है। अब सी को ज़्यादा पसंद नहीं करता दूसरे तीसरे नंबर पर दिया है। अब तीसरा व्यक्ति आया, ए को ज़्यादा पसंद करता है, बी को थोड़ा कम पसंद करता है, सी को पसंद नहीं करता, तीसरे नंबर पर रख दिया। चौथा व्यक्ति आया, ए को पसंद ही नहीं करता, ठीक है, बी को थोड़ा ज़्यादा पसंद करता है, सी को थोड़ा कम पसंद करता है। पांचवा व्यक्ति आया, तीसरे नंबर पर रख दिया ए पसंद ही नहीं है करके, बी को थोड़ा कम पसंद करता है, सी को ज़्यादा पसंद करता है, ठीक है। अब इसी तरह से 4809 लोगों का मतदान होगा, कैसे, पूरे एमपीओं की संख्या, पूरे एमपी कितने हैं 776 और पूरे एमएलए कितने हैं, पूरे एमएलए हैं 4033, ठीक है। तो सबको अगर आप मिलाओगे 4770 80 90 100, तो ये कितने होते हैं 4809 होते हैं, ठीक है, 4809 इतने में होते हैं। तो 4809 लोगों का तो मैं नहीं बता सकता, तो आपको एग्जांपल के थ्रू आपको बता रहा हूँ। तो अब इनका मतगणना होगा, प्रथम चरण का मतगणना होगा, मतगणना, ठीक है, काउंट करना को ही मतगणना कहा जाता है। तो देखिए ए को कितने लोगों ने पसंद किया है, प्राथमिकता दी, पहली प्राथमिकता दी है दो लोगों ने, एक और दो, ठीक है, एक एक दो, पहली प्राथमिकता को देखना है पहले। अब उसके बाद बी को कितने लोगों ने पसंद किया, पहली प्राथमिकता दी है, तो दो लोगों ने ही जो है बी को पहली प्राथमिकता दी है। अब इसको सी को एक आदमी ने ही, मतलब एक आदमी ही चाहता है कि ये सी राष्ट्रपति बने, तो ये तो पहले ही बाहर हो गया, ठीक है। अब ये दोनों बराबर हो गए, ठीक है, प्रथम चरण में मतगणना में दोनों ही व्यक्तियों का मत बराबर हो गया। अब दूसरा चरण का मतगणना होगा, ठीक है, अब दूसरा चरण का मतगणना होगा। अब देखते हैं ए को कितने लोगों ने पसंद किया है, तो दो ही आदमी ने इसे पसंद किया है, ठीक है। अब बी को कितने लोगों ने पसंद किया है दूसरे नंबर पे, तो दो आदमी ने पसंद किया है, ठीक है। और ये तो वैसे ही बाहर हो गए हैं, तो इन्हें सब बोल दिया जाता है कि आप जाओ, आप बाहर हो चुके हैं। अब देखिए इसमें बी की वैल्यू ज़्यादा है, ठीक है, बी की वोट वैल्यू ज़्यादा है, इसमें चार आया है और इसमें दो ही आया है, तो दूसरे चरण पे बी जो है विजेता हो गया, वोन कर दिया, ठीक है, बी क्या है विजेता हो गया, बी राष्ट्रपति बन जाएगा। तो इसे दूसरे चरण की मतगणना से बी राष्ट्रपति बन जाएगा। ये जो है पीवी गिरी के टाइम पे हुआ था, वो दूसरे चरण के मतगणना से राष्ट्रपति बने थे, पीवी गिरी, ठीक है, इतना समझ गए होंगे आप लोग। तो राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो अप्रत्यक्ष रूप से एकल संक्रमणीय पद्धति से आनुपातिक प्रणाली में किया जाता है, समानुपातिक प्रणाली में किया जाता है। और 15वें राष्ट्रपति के चुनाव में द्रौपदी मुर्मू जी राष्ट्रपति बनी है अभी, इसके प्रतिद्वंदी थे यशवंत सिन्हा जी, जो कांग्रेस के बहुत बड़े नेता थे। तो द्रौपदी मुर्मू जी को लगभग 64% वोट मिला था और यशवंत सिन्हा जी को, जो इनके प्रतिद्वंदी थे, यशवंत सिन्हा जी
लगभग 36% वोट मिला था, तो भारी वोट से द्रौपदी मुर्मू जी विजेता बनी।